जुमे के नमाज पढ़ के मैं तो बिल्कुल ही ये यानी होटल से निकलते बाहर ही, यहाँ पूरे रोड पे भी सफ़ें लगी होती हैं, सेन भी भरा होता है, अंदर तो है ही। तो मैं चूंकि वो वॉक करके इतना अंदर तक जाना थोड़ा मसला होता है, तो मैं इधर पढ़ता हूँ बाहर निकल के, ना अंदर नहीं यानी होटल के बाहर, और भी बहुत सारे लोग पढ़ रहे होते हैं नमाज, तो मैं पढ़ के फिर बाद में आपको पता है नमाज जनाजा भी होती है हर नमाज के बाद, तो वो हुई। तो उसके बाद मैं फ़ौरन भागा हूँ, मैंने कहा ऊपर से जाके लोग जो निकल रहे होंगे दिखाऊंगा, लेकिन स्टिल ये सहन ये बाहर वाला खाली समझ लो हो गया। ये सफ़े शफ़े ये रखी हुई ना आपको नज़र आ रही, जो ये भी भरी हुई थी, ये उस वक्त पहले से बंदे बैठे हुए थे इसमें, धूप में भी कोई परवाह नहीं करता माशाल्लाह। तो अब जो है वो अब आसपास तो जब पहुँचे, क्योंकि वो बिल्कुल अंदर जाती है वो पहले बहुत देर पहले चली जाती है, और फिर वो तो बीच में से निकलती निकालती पहुंच ही जाती है। चाहे आज थोड़ी सी बज़ाहिर जिसको कहना चाहिए थोड़ी सी देर, क्योंकि 10 बजे 9:45 हम निकले, यहाँ तो सूरत हाल ऐसी है कि आप इससे भी पहले निकलें तो फिर बड़े आराम से अंदर पहुंच पाते हैं। तो चलो अल्लाह कबूल करे सबकी बातें, और इसकी एक्सपेंशन आप देखें सब तरफ ये हो रही है, और ये भी गुम्बद जो अभी ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, चल रहे हैं ये तो हर वक्त कंस्ट्रक्शन का है काम, मतलब इतनी माशाल्लाह फैला दिया इसको, इतना बड़ा कर दिया, बस आसानी के लिए सहूलत के लिए जो भी हाजी हजरात आते हैं दूसरे, ये देखें इस एरिया से ये अभी नया बना, ये आसवा उसामा को दिखा रही थी, तो वो अरे जब हम पे आए थे 4, 5, 6 साल पहले ये नहीं था, ये यहाँ से देखे कैसे लोग निकल रहे हैं, ये यानी उनको लोगों को संभालने के लिए जगह ये बढ़ाते जा रहे हैं, और ताकि आसानी हो हाजियों को, जायरीन को, उम्रा करने वालों को। ये देख लें कितनी देर हो गई और अभी तक अंदर से लोग चले आ रहे हैं, और उस तरफ देखें बिल्कुल जैसे ट्रैफिक नहीं जाम हो जाती, इतने लोग रोड के ऊपर आए हैं, साथ ही वो लोग गाड़ियों में भी जा रही हैं, तो वो बिल्कुल ब्लॉक हो गया सब कुछ, यानी बंदे ही रुक गए हैं, गाड़ियों ने तो रुकना ही रुकना, बंदे इतने हैं, लोग इतने हैं माशाल्लाह, और अभी तक मुसलसल निकले चले आ रहे हैं। आप देखें मैं समझता हूँ कम से कम 15-20 मिनट तो ये हो गए होंगे जब मैंने पहली आपको अभी वीडियो बना के दिखाई, और उसके बाद से बल्कि उससे ज़्यादा मुझे उससे ज़्यादा बढ़ गई तादाद नज़र आ रही है। चलो इसमें हमारी भी कहीं बेगम चली आ रही होगी, वो तो इसके बावजूद अभी इसमें सब में पीछे बाद में निकलेगी, पीछे लास्ट में निकलेगी वो। चलो अल्लाह उसके जज्बे और उसकी इबादत अल्लाह कबूल करे, बहुत ही स्पिरिट के साथ बड़ी जोश के साथ वो इबादत में लगी हुई है, अल्लाह कबूल करने वाला। तो आज इस होटल में हमारा लास्ट डे होगा, जैसे कि 4 रातें इस होटल में थी। अब आसफा ने अब जो फरमाइश बच्चों को डाली हुई थी, उसको ये बड़ा शौक़ था कि क्लाक टावर का भी वो साइड जिधर से खाना काबा नज़र आए, तो वो अब उन्होंने बच्चों ने वो बुक किया हुआ, अब कल यहाँ से चेक आउट करेंगे। ये भी एक हैसल ही है ना यहाँ से अब निकलना, सामान उठाओ दूसरे होटल है साथ ही वो क्लाक टावर जो यहाँ, लेकिन उनको बताया भी ये हिल्टन, और ये मेरा ख्याल क्लाक टावर रोड के उस तरफ है, ये क्रॉस द रोड है, ये रोड के इधर है बस, लेकिन फिर भी सामान को उसमें पहुँचाना वो देखना पड़ेगा, क्या उसके लिए भी टैक्सी की ज़रूरत होगी कि या बीच में फिर रोड क्रॉस करना क्या करना है। तो मेरा ख्याल टैक्सी ही कॉल कर लेंगे बेहतर है कि उसके डोर पे से रिसेप्शन पे सीधा पहुँचा देंगे। तो फिर वहाँ 3 रातें उस होटल में हैं, तो उसके बाद रवानगी वापस पाकिस्तान इंशाल्लाह। तो जितनी भी इबादत कर सके, ज़ाहिर है मैं तो फुली बेहतर उससे नहीं कर सका, लेकिन जो भी किया वो तो दिल की हालत तो अल्लाह जानता है किस नीयत से और किस उससे मैंने इरादे से और किस सोच से की है, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। बस अल्लाह कबूल करे जितनी मैं कर सकता था, देखे थे तो वैसे बेहतर हूँ, फ्लू नहीं है, खांसी मिनिमम हो गई, बुखार नहीं है,
ये है सूरत हाल। बस अब बैठा हुआ हूँ आपका, इंतज़ार कर रहा हूँ, अल्लाह करे पहुँचे, फिर देखें फिर असर की तैयारी। बस वो पहुँचे, जब तक वो पहुँचती है बस उसके बाद आधा पौना घंटा बजता, फिर तैयार होकर फिर असर के चल देते हैं। असर तेन उड़ीक उड़ीक पूरी दुनिया मस्जिद चो निकल गई, तू ना निकली, इतनी रश थी तो बात। मुझे अल्लाह ताला ने, मैं कितनी देर से गई, कितनी रुकावटें आई, हाँ काबे पे पहुंच गई। माशाल्लाह जब से बैठी हूँ शाबाश। बस दिल में हो कि कोई पानी पिला दे, पसीने ऐसे जा रहे थे अंदर, धूप इतनी शदीद, अच्छा ऊपर से धूप है ऊपर पे बिल्कुल। पूरी धूप आ रही है ना वहाँ पे हाँ खाना वहाँ खाते सारी इस से। वक्त। तो मैं भी अभी हटी हुई पानी पियो, वहां से, पानी पानी नहीं पिया वहां से मुझे किसी ने जमजम पिला दिया। कहते हैं अच्छा जो कहो मिलता है वहां पे, किसी ने ऐसी औरत ने कहा पानी, इशारा मुझे किया, मैंने कहा हाँ दे दे। बस नमाज भी वहां पे पढ़ी, एक औरत सामने सफे में लगी हुई थी, एजेड थी, पता नहीं कौन सी कंट्री, वो गिर गई मेरे सामने सलाम में गिर गई, धूप में पड़ी ऊपर रही से। ऐसे, मुंह के बल गिरी बिल्कुल, क्योंकि वो ब्लैकआउट हो गई ना शायद। हाँ कोई भी नमाज नहीं छोड़ा, मेरा दिल किया पर मैंने कहा कोई भी नहीं छोड़ा, मैंने भी नहीं छोड़ी। वो फिर उठी, फिर खड़ी हो गई और फिर ऐसी गिरी, फिर बाद में बहुत देर बाद उठी। तो सब उसको फिर बाद में सब पूछ रहे उसको, आप जमजम उसके ऊपर मार रहे, पानी मार रहे, होश में आ गई माशाल्लाह। तो पर उसने नमाज नहीं छोड़ी भी, ऐसी ऐसे मैं तो आज ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि मैं बता ही नहीं सकती। फिर वहाँ से उठी, फिर बस नियत थी कि आज फिर खाना काबे की तरफ जाना, सीधी गई खाने काबे पे पहुंच गई, हाथ लगाया रब्बना आते ना फिर दुनिया पड़ी, और बस इतना ही पढ़ के, पूरी दुआ पढ़ के, आपके लिए दुआ मांग के, सबके लिए दुआ मांग के, कि जिस जिसने गाया घर को बिल्कुल, वापस, चलो अल्लाह कबूल करे, अल्लाह अल्लाह कबूल कबूल फरमाए। अब आप मुझे कुछ मीठा कुछ खाने को ला के दे, मेरे करे। उस वक्त मुझे घबराहट वहां बहुत हो रही थी, पर मेरे साथ उठना नहीं है मीठी आज, तो नींद में अल्लाह जाग, ताला नीचे यहीं पे मैं मौत दे दे तो ये बहुत पानी अच्छा और था। थोड़ा पियो तो मेरी चेहरे के आता हूँ जाके। कुछ यहाँ से आइसक्रीम वगैरह कुछ लेकर आए, मीठा आइसक्रीम यहाँ कुछ ठंडा मीठा, ताकि नहीं, मुझे नहीं जो एनर्जी बताओ आए। जो मैं देखूंगा ना, जो अवेलेबल हुआ स्वीट डिश में जो भी मीठा वो लेकर आता हूँ। सही अब नीचे नहीं जाओ, बस रेस्ट करो यहाँ, मैं नीचे से लेकर माल, नीचे का माल है इस होटल का, ठीक है ना। जैद कहाँ गए, कहाँ गए भाई, हमने कमरों में ऐसे हुल्ला मचाया हुआ, इतने बड़े कमरे उनमें भी हुल्ला मचाया, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर से बचाया आपको, इस वक्त देखो माशाल्लाह इस पोजीशन माशाल्लाह। में, और बांधने का तरीका भी मैंने सीखा, अल्लाह उसको भी इसका अजर देगा। मुनव्वर नाम था ना हाँ मुनव्वर आपका, था, मुनव्वर, शादिया के शौहर का, आसफा हाँ की बहन की बेटी का शौहर। हाँ तो उसने वही मुझे जल्दी से बताया, और मैं कहता हूँ मैं इतना वो एहसान किया, वरना मैं तो बड़ा डरा हुआ सबका था जा कि रही है, इसको कैसे बांधना है। अब ये देखे माशाल्लाह इतना काबू है कि ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि कहीं जाए, इसका जो मेथड है प्रॉपर उससे बता। हाँ और ये इसको जल्दी से मैं शेयर कर दूं कि अभी चूंकि तवाफ नहीं है तो अब आपने बेशक कंधे ढके हुए हैं, ठीक है, ये बिचारी मसला जो जैसा हमने लर्न किया देखा, लेकिन जब आपने इसको वो करना है तवाफ, तो आपका ये सीधा बाजू बाहर होना चाहिए, और इसको आप जैसे उन्होंने किया इसको यहाँ दे दें। एक बंदे ने एक टेक्निक वो भी बताई मुझे, एक दूसरे आदमी ने, ये यहाँ दे दिया, और इसको आपने बाजू के यहाँ से, ये यहाँ से इसको करते हैं और मैं फिर पीछे से ये जैद के पीछे ऐसे डाल इसको देती हूँ, जैसे ऐसे पहले डाल हम देती उम्रा हूँ। कर चुके हैं हम, हाँ उसमें देखिए तो ये अच्छा, बाजू ओपन रहना जरूरी है, हाँ सीधा बाजू बिल्कुल, बस। अब बस ये है जिससे बंदा डरता कि यार पता नहीं, इससे बांध के आप जहां दुनिया में कहीं भी चले जाओ कुछ थोड़ा भी, सा आप लोगों को क्लियर कर दें कि हम उम्रा माशाल्लाह 3 दिन पहले, 4 दिन तीन दिन कर पहले कर चुके हैं चुके हाँ हैं, जब आए थे। और ये उम्रा जैद अपनी अम्मी के लिए कर रहे हैं, और मैं भी इंशाल्लाह कर रही हूँ साथ अपनी अम्मी के लिए। तो इसमें अब आपको थोड़ी थोड़ी टिप्स बताते जाएंगे क्या करना हाँ है, तो इसमें अब अब थोड़ा सा इंशाल्लाह, स्टेप्स बताएंगे, और क्योंकि हम अपना बड़ा फोकस करके हमने कहा वो हाँ करना तो हमने आसान फोन ही नहीं नहीं ऑन किया, हमने आप सोचें कि अभी तक है। एक तस्वीर भी खाने काबा के सामने नहीं खरीदी गई खरीदी हाँ जाए की है, और अब इंशाल्लाह बस अभी तैयारी, आप चूंकि अब इसको आप पूरा जैसे तरीका सिखाएगा शलवार कमीज पहन के हाँ वो ना शबलाग में फिर पूरा रहे हैं, इसको पूरा। किस तरह वो फोल्ड करके इसको ऐसे ऊपर को वैसे कैसे आप किया, बहुत माशाल्लाह नूर लग रहा है आपके माशाल्लाह। चेहरे पे, बस चलो चलने के अल्लाह लिए अब टाइम ना बरकत, निकल जाए, ईशा की अल्लाह नमाज भी पढ़नी है, और हाँ फिर उसके बाद इंशाल्लाह हमने इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आयशा मस्जिद अभी जाना है, ईशा की हाँ नमाज वहीं पढ़ेंगे। आयशा मस्जिद है, आप हाँ आयशा मस्जिद अच्छा जहाँ अच्छा जाके आप ये जो
जाना है इहराम के साथ, लेकिन वहां जाके दो नफिल वहां पढ़ेंगे, वहां पढ़ेंगे आयशा मस्जिद में, वहां नियत करेंगे जो इनका मीकात का जो जगह बनती है, जो वो जो पॉइंट बनता है यहाँ। जैसे हमने याद है मदीना से निकले थे तो एक जगह थे कौन सा मस्जिद में नाम भी भूल गया, बहरहाल वो पॉइंट था ना, वहां पढ़ी नफिल और नियत की और फिर चल दिए। इसी तरह आयशा जो है मस्जिद में ये जाएंगे विद एहराम, उसके बाद वहाँ दो नफिल पढ़ के नियत करके और फिर हम एहराम पे इसमें हरम शरीफ। आपने हर चीज वैसे ही करनी है जो आपने अपने लिए की, आप अपने वालिदैन के लिए, अपने महरूमीन के लिए, जिसके भी लिए आप कर रहे हैं एग्जैक्टली वही करना है जो आपने करना। वो तो कोई नहीं, तो दुआएं जो पढ़नी है और वो चले, मैं भी रेडी हो जाऊंगा माशाल्लाह। बस इम्पोर्टेंट चीज जो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये ऊपर की जो चादर है ना, ये कई बेचारे, अच्छा मैं खुद भी, इवन मैं वहीं से जब वो शोल्डर, तो मुझे वहां मस्जिद में वहां उन्होंने बताया कि नहीं, जब आपने तवाफ करना है वहां जाके, अब आपने खाने काबा में वहां जाके आपका राइट शोल्डर ओपन होना चाहिए, वरना मैं अब भी देख रहा हूं बहुत सारे लोग जिनको बेचारों को इल्म ना हो, मैं नहीं समझता कि इसका अच्छा, या यूं कह लो कि मैं इसके गुनाह या सवाब की तरफ मैं नहीं जाना चाहता, मैं तो जो शरई मसला जो हमने देखा, जो पढ़ा, जो सुना, उसकी मैं बात कर रहा हूं। मैं खुद भी कोई इतना आलिम फाजिल तो मैं भी नहीं हूं। कहते हैं कि आपका तवाफ के दौरान पहले चक्कर से ही आपका राइट या हरम शरीफ में जैसे आप वहां दाखिल होते हैं, खाना काबा की तरफ आपका मुंह जब होता है, जब दो नफिल वहां पढ़ के भी आपने आगे बढ़ना है सात चक्कर लगाने के लिए, तो उस वक्त उससे पहले ही यूं कह लो, या नफिल जब पढ़ने उस वक्त कह लो, जब आप, तो आपका ये राइट शोल्डर ही ओपन होना चाहिए। बस जो हमें, मुझे पता है, आप भी अपनी सर्च करें, गूगल करें, जो आलम दीन हैं उनके चैनल्स या उनके उसके ऊपर, या मुफ्ती जो हों चाहें तो वहाँ उनको भी देख लें, और मैंने भी देखा जब सुना तो उसकी वजह, उस वो तरीक़ा हम फॉलो कर रहे हैं। तो बस अल्लाह कबूल करे इबादत, बस दुआओं में याद रखें, और मैं तो आप सबके लिए दुआएँ कर ही रहा हूँ, आप बेफिक्र रहें इंशाअल्लाह ताला। माशाल्लाह तू तो बिल्कुल सफेदा बन जाती है, सफेद सफेद सफेद, और जिदा कहते ना गहूरां दा लिबास, वो ऐसे इमेजिनरी कहीं दिखाते हैं ना कि मतलब या कोई एंजल या कोई फरिश्ता, तो ओ वाइट ही पूरा पाया हुआ। मम्मी को अब्बू को वाइट बहुत पसंद था, याद है। अच्छा, वैसे भी घर मैंने अपने उम्र में वाइट ही पहना था, तो मैंने कहा उनके लिए भी वाइट ही पहनू, साफ सुथरा रखा हुआ था मैंने। चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलो चलने की कहा। शमन मास्क मस्जिद से इंशाल्लाह हरम के करीब पहुंच रहे हैं। अभी देखिए, अभी बिजी और रश बढ़ती जा रही है, ईशा की नमाज के बाद था, हमने भी सोचा कि जल्दी जल्दी मतलब है कि ये तवाफ हो जाए, पूरा कंप्लीट करने हैं, तो अब यहाँ से ऊपर आए हैं, अब सही जिसको कहते सही के लिए सफर होगा, पहाड़ी में बीच में जो आपने चलना है वहाँ भागना, बंदों ने भागना है, खवातीन के लिए कि अपने नॉर्मल उसमें चले। कैसी खुशी हो रही है ना अम्मी के नाम का उम्रा करके, तो डन
11:15 हो गए और माशाल्लाह हमने तकरीबन 7:30 बजे अपनी जर्नी शुरू की थी और ये हो गए 11:30 होने लगे। हाँ 11:30 होने लगे, 4 घंटे बन गए, 4 घंटे तो 11:30 4 घंटे। अब बस हम फूड की तैयारी में, फूड की तलाश में जा रहे हैं। जैद ने तो कपड़े आते ही चेंज किए, मैंने कहा मुझे तो ज़ाहिर फिर हिजाब पहनना पड़ेगा तो बेहतर, एक ही दफ़ा जाएँ और एक ही दफ़ा। कहाँ जाना है हमने, कहीं पे तरीके होते हैं पढ़ती रही यासो में थोड़ा सा ये शेयर करने लगा था, यहाँ ये ग्लासेस क्यों पहने, क्योंकि इतनी रिफ्लेक्शन है दोपहर की नमाज़ों में, तो यानी यहाँ आंखें नहीं खुलती, ये जो जो जो, जो भी मर संगमरमर है या जो भी पत्थर स्टोन है तो वाइट कलर वाला, तो इसकी इतनी है कि आप आँख नहीं बीच बगैर चलो बड़ा मुश्किल है अन्ना कोई, तो इसलिए आसफा को भी किसी ने मशवरा दिया आसफा, हालांकि ये लेकर आए चश्मे रखे हुए हैं पास, लेकिन वो पहनने इसलिए कि यार ये यहाँ आप चश्मा पहने पता ही चला नहीं, ज़्यादातर औरतों ने पहना हुआ, बंदों ने कम, लेकिन ज़्यादातर औरतों ने, क्योंकि चश्मे के बगैर आप यहाँ इस फर्श पे चलना मुश्किल है, तो इसलिए आप बेशक हो तो जैसा मर्जी चश्मा हो, सन ग्लासेस जिसको हम कहते हैं, अगर वो आप साथ लाएँ तो वो आपका थोड़ा बेनिफिट है दोपहर की नमाज में असर के बाद, वरना आपको चलते हुए यहाँ बिल्कुल रिफ्लेक्शन इतनी पड़ती आँखें नहीं खुलती, और इतने फॉलोअर्स मिल रहे हैं और एक जर्मनी से थी सायरा, वो उनकी अम्मी अब मॉन्ट्रियल से उनके पास आए, फिर वो वहाँ से अब यहाँ उमरा है, यहाँ पे माशाल्लाह देखे हमारी मुलाकात हुई, फिर शाहीन जो यूके से हैं, जो अपनी 3 बेटियों के साथ बेटे के साथ अभी मुलाकात हुई उनकी माशाल्लाह, और वो कमरे में भी मिलने के लिए आ रही है अभी उसके बाद नमाज के बाद, बहुत लोग माशाल्लाह सबका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी मोहब्बत देते हैं आप लोग कि बेइंतहा मोहब्बत देते हैं, तो इंशाल्लाह चले ये ऐसा बहुत लोग मिले, मैं तो खुद हैरान हूँ कि इस जगह पे, वैसे मदीना में भी मुलाकात हुई बहुत सारे लोगों से और यहाँ खाना काबा में तो बहुत ज़्यादा लोगों से, आँखें नहीं खुलती चलते, चूँकि मेरे फोटो सन है ट्रांजिशन क्लासेस क्या कहलाते हैं वो, इसलिए मुझे तो उसी में आसानी है, एक नॉर्मली लोगों को लेके आना चाहिए। चले जैद वो सामान ले गए हैं सारा आके, मैंने कॉल की थी कॉन्सियर वाले, आप क्या कर रहे हैं अभी तक दरवाजे खोल खोल के जैद की आदत है, देखते रहते हैं पूरे दरवाजे खोल ली सारी चख ली, अच्छा सिर्फ यही नहीं तकियों के नीचे देखते हैं क्योंकि मैं अक्सर चीजें रखते हैं हम लोग, तो ये आपको टिप्स हैं बता रहे हैं, देखो टिप बहुत काम की टिप, वैसे पता होगी लोगों, टैक्सी आप जब भी करें कहीं भी आप जा रहे हैं उसका चलते वक्त आप उसका क्लिप ले ले, फोटो आप लेते हैं, हाँ, तो अच्छा, फोटो का या वीडियो का, कल तुम्हें याद नहीं मैं नहीं लेता था, मैंने कभी नहीं लिया, मैं ऑनेस्टली अगर ये सवाल है मैं कभी लिया नहीं, परसों याद है मैं पैसे निकाल ले रहा गाड़ी के अंदर टैक्सी के अंदर, तो मेरा कार्ड गिर गया था, रूम कार्ड भी और मेरा क्रेडिट कार्ड भी, हाँ। अब अगर वो साइड से गिर के अगर वहीं पड़ा होता तो वो बंदा मुझे या मैं उसको कैसे ट्रेस करता, आप क्लिप ले ले कोई चीज आपकी भूल जाए तो कम से कम फिर आप सिटी को कॉल करके कह सकते हैं कि इस गाड़ी में मेरी ये चीज रह गई, चलते हैं अब निकले
निकलना है, खुदा हाफिज करना है इसको, कमरे को खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। और अब दूसरी जगह इंशाल्लाह जाएंगे। और आपने ये टीवी क्यों ऑन किया, मेरा नाम देखने के लिए? चलो ठीक, चलो सारे कुछ बंद करेंगे सब कुछ। चलो चले, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाँ अपनी चप्पल पहन, खुदा हाफिज। अब नेक्स्ट उसमें मिलते हैं आपके साथ। ये देखें, ये बंद करेंगे ना पूरी लाइट्स वैसे ही ऑफ हो जाती है। अच्छा कर दो, ये हो गया और इनकी सर्विस का लगा दिया। चलो बिस्मिल्लाह। वो सर्विस वाले खड़े भी हैं, उनको पता है, कोई नहीं बस उनको पता है, उनको पता होता है कि बस बिल्कुल बिल्कुल। ये चलें जी, हिल्टन होटल से हम क्लॉक टावर कह लें उसमें जा रहे हैं, तो देखते हैं। है तो क्रॉसदा रोड, लेकिन चूंकि रुकावटें बीच में होती है। ये फेयर माउंट बता दिया ना उसको? हाँ, अच्छा फेयर माउंट है। अच्छा फेयर माउंट का ही। अच्छा तो दिन में भी इनको बाहर, हमने तो अभी तक दिखाई नहीं है। ये माशाल्लाह रात हमने नमाज ऊपर बड़ी आसमान देख रहे हैं हरम शरीफ के, वो ऊपर जो थे वो गुंबद जो, उनके साथ हमने रात नमाज पढ़ी थी, याद है? रात की बात है या फजर की बात? फजर की बात है, फजर। बाकी सब इन्होंने बंद किए हुए थे। Your number here is wrong. Yeah. So that's why they are going from here, right? Mosque is on the top of this or after now that? Haram. Okay. No, we are now down here. Oh yeah. Is there any name of this bridge? This one. Usually what? Tunnel. Tunnel. Huh? Tunnel or only just tunnel? No, tunnel. Tunnel. कोई ना कोई ऐसा नाम तो होता है ना किसी का? King Abdul Aziz. Yeah, King Abdul Aziz. तो ये होटल उसकी आ गई है, ये दिसी तो वो ड्रॉप एंड जस्ट गो, और ये आपकी कंफर्मेशन भी देखते हैं उसकी। इवन कंफर्मेशन देखते हैं कि भी आपकी बुकिंग है। तो लेकिन अभी वो किधर है, अभी तो और आगे है या यही? आगे मतलब यहाँ पे 7 टावर्स है ना। अच्छा इसके इतने? एक मक्का टावर है, एक दूसरा टावर है, तो हमारा जो है फेयर माउंट, फेयर माउंट क्लॉक टावर। तो फेयर माउंट क्लॉक टावर। अच्छा तो यहाँ पे बड़ी सख्ती है कि मतलब बड़े टावर्स में जाना। वो देखो फिर इतना, इसीलिए वो पैसे भी, अब रोड क्रॉस द रोड है, लेकिन 30 तीसरी ये रश है। हाँ फिर वो इतने नहीं है, अभी इसके पैसे देख के तो सभी शौक में आ जाएंगे। मैं तो खुद शौक में अभी तक नहीं निकल रहा हूँ। बच्चे भी ऐसी हरकतें ये करते हैं, वो साथ तुम उनकी माँ, उनको भी शौक बड़े हैं, बड़े लोग बढ़िया बात है। नहीं मैं भले मुझे गली में सुला दो, मुझे कोई मसला नहीं। ये फेयर माउंट क्या इसका पूरा नाम था, जो भी है इसका, यहाँ से देखें ये मक्का का व्यू माशाल्लाह। अब ये पहाड़ तो नाम तो नहीं मुझे पता, वो हिल्टन जिसके ऊपर था तो वो कहलाता था जबल उमर, लेकिन अब वो नहीं पता किधर रह गया किधर नहीं, अंदाज़ा नहीं होता देख के। अब जब वो हरम शरीफ वो नज़र आएगा तो फिर वहाँ से कुछ आइडिया होगा कि हम इधर थे या इधर थे।